जादुई अनार बम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, अक्टूबर के महीने में दशहरा खत्म होने के बाद सभी लोग दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे और ईमानदार थे। वो सभी दिवाली के लिए अपने अपने घरों की सफाइयां कर रहे होते हैं। उसी गांव में एक शालू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। शालू बहुत ही सुशील, संस्कारी और समझदार लड़की थी। शालू के सुंदर और संस्कारी होने के बावजूद भी उसके अंदर एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। शालू को अपने काले रंग की वजह से कहीं बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि शालू जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके मोहल्ले के बच्चे उसके काले रंग को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। शालू के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, उसकी एक ही सहेली थी गीता, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उसका कभी मजाक नहीं बनाती थी। एक बार खेलते हुए शालू अपनी सहेली गीता के साथ गांव के बाहर निकल जाती है। दोनों अपनी अपनी बातों में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्हें समय और रास्ते का पता ही नहीं चला। तभी शालू बोलती है, गीता हमें तो पता ही नहीं चला हम चलते चलते कब जंगल में आ गए। समय बहुत हो गया है, हमें घर जाना चाहिए। हाँ ये तो जंगल है। हाँ चलो वापस चले, गांव में सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे। अरे अब जंगल तक आ ही गए हैं तो हमें जंगल भी घूम लेना चाहिए। अरे नहीं, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अरे शालू मेरी प्यारी सहेली चलो ना, मेरा जंगल में जाने का बहुत मन है, जल्दी जल्दी घूमकर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां और अंदर जंगल में चली जाती है। अंदर जंगल का नजारा बहुत सुंदर और मनमोहक था। वाओ ये कितना सुंदर जंगल है, यहाँ के पेड़ पक्षी सभी बहुत सुंदर है। देखा तुम तो वैसे ही घबरा रही थी, देखा कितना सुंदर जंगल है। इतना कहकर दोनों सहेलियां और अंदर चली जाती है। तभी उन्हें झाड़ियों में एक रोशनी चमकती हुई नजर आती है और किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद दोनों सहेलियां एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती हैं। वहां कुछ परियां होती है जो बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। उन सभी परियों में एक परी थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और उसके सर पर एक ताज भी होता है। उस परी को देखकर शालू बोलती है, वाओ ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल कोई जन्नत की परियों की तरह। हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो ये इस धरती की नहीं लग रही, ये जरूर परियां ही है। हाँ गीता तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये एक घने जंगल में क्या कर रही है। अरे धीरे बोलो और चुपचाप देखती जाओ। सभी परियां वहाँ डांस कर रही होती है और खुशी से झूम रही होती है। सभी परियों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही होती है और वहाँ टेबल पर साइड में ढेर सारा 56 भोग रखा हुआ था, वो भी सोने चांदी के बर्तनों में। ये सब देखकर गीता कहती है, अरे वाह क्या नजारा है, किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और परियों को परेशान करना शुरू कर देती है। यह तो पार्टी हो रही है, वो भी मेरे बिना। सभी परियां चुड़ैल को देखकर परेशान हो जाती है और बहुत दुखी होती है। ये चुड़ैल इसी तरह आकर हमें रोज परेशान करती है, इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाए। शालू और गीता परियों की बात सुन रहे होते हैं और उन्हें परियों के लिए दुख होता है। तभी शालू देखती है कि वो चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों को बंदी बना लेती है। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होने के कारण सभी परियों को अपनी जादुई शक्ति से बहुत छोटा बना देती है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। ये सब देखकर शालू और गीता को परियों की जान बचाने का ख्याल आता है और वो दौड़ते दौड़ते चुड़ैल का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता देखती है कि चुड़ैल सभी परियों को एक गुफा में ले गई है। चलो शालू हम जल्दी से चलकर उस परियों को बचा लेते हैं। रुको गीता, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। मेरे ख्याल से अब यहीं रुककर उसके बाहर जाने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है हम यहीं रुककर उसके बाहर जाने का इंतजार करते हैं। इसके बाद दोनों सहेली वहीं झाड़ियों में छिप जाती है और उस चुड़ैल की गुफा पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद जब वो चुड़ैल किसी काम से अपनी गुफा से बाहर जाती है तो मौका देखते ही वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं वहाँ तो रानी परी समेत
ढेर सारी परियों को चुड़ैल ने बंदी बना रखा है। उन दोनों सहेलियों को देखकर परी कहती है, अरे तुम दोनों बच्चे यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों जल्दी से इस गुफा से बाहर चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। परी जी, हम दोनों आपकी मदद करने के लिए आए हैं। हमने सब देख लिया किस तरह चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से आप सभी को बंदी बनाकर यहाँ ले आई है। क्या तुम हमें देख सकती हो? परंतु हम परियों तो इंसानों को दिखाई नहीं देती हैं। लगता है तुम दोनों जरूर एक नेक दिल और ईमानदार लड़कियां हो, इसलिए हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये चुड़ैल हम सबको मार कर दिवाली से पहले इस पूरे पृथ्वी लोक पर अपना कब्जा करना चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप परी जी? मैं ये सब होने नहीं दे सकती। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो रास्ता होगा। मैं पूरी दुनिया को बचाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उस चुड़ैल को मारने का रास बताइए। एक रास्ता है, परंतु इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम घर जाओ, हम परियां कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। परी जी, अगर आप यही चाहती है तो मैं भी आप लोगों के साथ अपने आप को चुड़ैल के हवाले कर दूंगी, लेकिन कायर बनकर घर वापस नहीं जाऊंगी। परियां शालू के साहस को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो राज बताने को तैयार हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जंगल के बीचों बीच एक जादुई सीढ़ी का रास्ता है जो सीधा परीलोक के लिए जाता है। अगर तुम परीलोक जाकर हमारे जादुई अनार बम के पेड़ से एक अनार बम तोड़कर यहाँ इस जादुई गुफा में ले आओ तो हम चुड़ैल को हरा सकते हैं। हमारे उस अनार बम को जलाते ही हम सभी परियां आजाद हो जाएंगे और जहाँ जहाँ तक उस अनार बम की रोशनी जाएगी वहाँ पर चुड़ैल की सभी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। ठीक है परी जी, आपके पृथ्वी लोक को बचाने की जिम्मेदारी हम अपने सर पर लेते हैं। इसके बाद शालू और गीता बिना समय बर्बाद किए उन जादुई सीढ़ियों की खोज के लिए निकल जाते हैं। घने जंगल में अंदर जाते जाते शालू को एक भूखा शेर दिखाई देता है। शालू और गीता उस शेर को देखकर जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है और इस तरह धीरे धीरे करके उन दोनों सहेलियों को वो जादुई सीढ़ियाँ दिख जाती है। शालू और गीता बिना समय बर्बाद के जल्दी से उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं। ऊपर परिलोक में जाकर वो देखती हैं कि जादुई अनार बम का पेड़ तो काफी ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यही वो पेड़ है जिसे उन्हें एक अनार बम चाहिए था। इसके बाद गीता और शालू हाथ जोड़कर जादुई पेड़ से एक अनार बम देने की प्रार्थना करते हैं। पेड़ उनकी प्रार्थना से खुश होकर एक अनार बम नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से वो अनार बम उठा लेते हैं। अनार बम लेकर गीता और शालू जल्दी से पृथ्वी लोक आ जाते हैं। अंदर गुफा में पहुंचकर शालू देखती है चुड़ैल तो परियों की बलि देने ही जा रही होती है। तभी बिना समय गवाए जल्दी से उस गुफा में वो अनार बम जला देती है। शालू के ऐसा करते ही गुफा में एक जोरदार रोशनी होती है और सभी परियां आजाद हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और जल्दी से दौड़कर अपने प्राण बचाने की सोचती है, परंतु सभी परियां एक साथ अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल को आग के हवाले कर देते हैं। देखते देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह शालू और गीता के साहस से परियों को आजादी मिल जाती है और पूरा पृथ्वी लोक बच जाता है। थैंक यू शालू और गीता, आज तुम दोनों ने हमारी जान बचाकर हम सभी परियों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सभी परियां तुम दोनों को एक एक गिफ्ट देना चाहते हैं। इसके बाद वो परियां अपनी जादुई शक्तियों से दोनों को एक एक जादुई लहंगा दे देती है। तुम दोनों बहुत नेक और ईमानदार लड़की हो, हम तुम दोनों से प्रसन्न होकर तुम्हें ये जादुई लहंगे दे रहे हैं। ये जादुई लहंगे की मदद से तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगी और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें चुटकियों में मिल जाएगा। ये देखकर शालू और गीता दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह उस दिन के बाद दोनों सहेलियां अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी। कोमल के गांव में एक फूलों का बगीचा था। कोमल और उसकी सहेलियां रोज उस बगीचे से फूलों को तोड़कर शहर में बेचने के लिए जाती थी।
इसी काम से उन गरीब लड़कियों का गुजारा होता था। फिर एक दिन कोमल अपनी सहेलियों के साथ बगीचे से फूल तोड़कर शहर की ओर जा रही थी कि तभी नदी के तट पर एक राजू नाम का गुंडा उन सभी लड़कियों को रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम सब यह फूल शहर में बेचने के लिए ले जा रही हो, लेकिन आज से तुम सबको मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम लोगों को इस पुल के ऊपर से रोज जाने दूंगा। राजू की बातें सुनकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो, हम इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठकर बगीचे में फूल तोड़ने जाते हैं, फिर उसके बाद पैदल चलकर इतनी दूर शहर में उनको बेचने जाते हैं, और उनका हुआ मुनाफा हम तुझे दे देंगे, तो हमें ये सब मेहनत करने का क्या फायदा? पूरे दिन की मेहनत के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं, और तुम चाहते हो कि वो हम तुम्हें दे दें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अपने पैसे नहीं देंगे। कोमल की ये बात सुनकर राजू बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद राजू सारी लड़कियों के टोकरी छीनकर पुल के नीचे फेंक देता है। अरे तुमने ये क्या किया, हम लोगों के सारे फूल नदी में गिरा दिए। राजू जोर जोर से हंसता हुआ कोमल को जवाब देता है। हा हा, देख लिया मेरे से उलझने का अंजाम, अब तुम सारी लड़कियां मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। राजू की धमकियां सुनकर सभी लड़कियां परेशान होकर अपने घर की ओर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन दोबारा से कोमल और उसकी सारी सहेलियां सुबह बगीचे में जाकर फूल तोड़ती है और शहर की ओर बेचने के लिए चल देती है, लेकिन आज भी उन्हें पुल के ऊपर राजू खड़ा हुआ दिखता है। हे भगवान, ये शैतान तो आज भी पुल के ऊपर खड़ा है, अब हम क्या करें? सुनो लड़कियों, तुम जल्दी जल्दी मुझे पैसे दो, वरना आज भी मैं तुम्हारी टोकरियां छीनकर नदी में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने पैसे नहीं देंगे, तुम जैसे गंदे इंसान के सामने मुझे झुकना मंजूर नहीं है। ये सुनकर राजू को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है, तू बहुत ज्यादा बोल रही है लड़की, मैं जानता हूँ तू बाकी सारी लड़कियों को भी मेरे खिलाफ भड़काती है ना, तभी ये सब मुझे पैसे देने से मना करती है, लेकिन अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर राजू एक बड़ी सी मजबूत रस्सी से कोमल के हाथ पैर बांधकर उसे उठाकर नदी में फेंक देता है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, हे भगवान मुझे तो तैरना भी नहीं आता, कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो। देखते ही देखते कोमल नदी में डूब जाती है, और यहाँ पर भी कोमल की सभी सहेलियाँ ये देखकर घबरा जाती है और घबरा कर राजू को सारे पैसे दे देती है। राजू तीनों लड़कियों से पैसे लेकर बहुत खुश होता है और हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, अब ऐसे ही तुम तीनों लड़कियाँ मुझे रोज पैसे देना और यहाँ से रोज आराम से चली जाना, और हाँ यह बात याद रखना, जो भी लड़कियाँ मुझे एक दिन पैसे नहीं देगी तो मैं उसे उसी तरीके से बांधकर फेंक दूंगा नदी में। इस तरह से राजू की बात सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती है और उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है, और वहां दूसरी तरफ कोमल पानी में तैरती हुई नदी के उस पार जादूगरनी की दुनिया में पहुंच जाती है। तभी वहां के जादूगरनी की नज़र कोमल पर पड़ती है, और फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से कोमल को पानी से बाहर निकाल लेती है और उसके रस्सियां खोल देती है। उसके बाद कोमल उस जादूगरनी को राजू के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर जादूगरनी कहती है, अच्छा तो ये बात है, इस वजह से तुम इस पानी में ऐसी बंधी हुई हो, और वो बुरा आदमी तुम जैसे और भी गरीब लड़कियों को परेशान कर रहा है। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें अभी कोई जादुई शक्ति देती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से कोमल को जादुई सैंडल देती है। बहन ये जादुई सैंडल है, इन्हें पहनकर तुम उस राजू को मजे चखा सकती हो, उसकी गलतियों का उसे एहसास दिला सकती हो, उससे मुकाबला कर सकती हो। उन सैंडल को पाकर कोमल बहुत ही खुश होती है। उसके बाद कोमल जल्दी से उन सैंडलों को पहन लेती है, और उन्हें पहनते ही साथ ही वो सैंडल उसे हवा में उड़ाते हुए
उसके गांव तक ले जाती है। कोमल अपने गांव पहुंचते ही सारी सहेलियों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, आज के बाद हमें उस राजू से घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे कोई पैसे देने की जरूरत है। अब तुम सब मेरे साथ चलो। अब सारी लड़कियां बगीचे से फूल तोड़ती है और फिर शहर की ओर बेचने के लिए पुल के ऊपर चलने लगती है। तभी थोड़ा सा आगे चलकर राजू उन सभी लड़कियों को मिल जाता है और आज वो कोमल को देखकर चकित हो जाता है और वो बोलता है, अरे कोमल, मैं तो तुझे बांधकर पानी में डालकर जान से मार दिया था, तो फिर तू जिंदा कैसे हो गई? मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ राजू, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर कोमल जादुई सैंडल की मदद से हवा में उड़कर राजू की पिटाई करने लगती है। खूब देर तक कोमल हवा में रहकर राजू की खूब पिटाई करती है और ये सब देखकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर राजू ज्यादा ही गुस्से में आकर पुल के ऊपर आग लगा देता है। आज तो मुझे पीट लिया, लेकिन अब मैंने इस पुल पर आग लगा दिया है। आज के बाद तुम लड़कियां शहर फूल बेचने कभी नहीं जा पाओगी। राजू अपनी बातों को बोलकर खूब जोर से हंसने लगता है। तभी कोमल की जादुई सैंडल से एक बड़ा सा सांप निकल जाता है और उस सांप को देखकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राजू से ज्यादा तेज रफ्तार सांप की होती है और सांप अपने मुंह में राजू को कस के पकड़ लेता है और उसे ले जाकर हमेशा के लिए एक गुफा में कैद कर देता है। अब ये राजू हमेशा जिंदगी भर के लिए इस गुफा में कैद हो गया है। आज के बाद ये किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद कोमल अपनी जादुई सैंडल से नदी के ऊपर एक नया पुल बनाने के लिए बोलती है और देखते ही देखते नदी पर नया पुल बनकर तैयार हो जाता है और ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर आराम से उस पुल पर चढ़कर और शहर जाकर अपने फूल बेचने लगती है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर उसकी सहेलियां रोज फूलों को तोड़कर कोमल के साथ फूल को पार करके शहर में फूल बेचने जाती थी और वो सारी लड़कियां मिलकर गांव में और भी गरीब लोगों की खूब मदद करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।